स्मार्ट किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली बार स्मार्ट किचन रेसिपी में हमने बनाया था सांबर का मसाला और इस बार उसी सांबर मसाले से हम बनाने वाले हैं सांबर। तो चलिए बनाते हैं सांबर। सांबर बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे आधा कप तुअर की दाल, जिसे हम धोकर 30 मिनट के लिए भिगो लेंगे। अब हम लेंगे एक कुकर और उसमें डालेंगे हमारी भिगोई हुई दाल, 2 कप पानी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और इसे अब हम पकाएंगे। एक सीटी आने के बाद हम गैस को बिल्कुल धीमा करेंगे और इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट पकने देंगे। अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं तो गैस को बंद करते हैं। हम कुकर को खोलेंगे। दाल हमारा अच्छी तरह पक गया है तो इसे हम थोड़ा मैश करके अलग रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हम 2 टीस्पून तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 प्याज लंबे कटे हुए और इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर, इसे भी मिक्स करेंगे। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी मिलाते हुए 1 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी कटी हुई सब्जियां। सबसे पहले हम डालेंगे बैंगन, लौकी, कद्दू बड़े टुकड़ों में कटे हुए और एक ड्रमस्टिक यानी कि सींग। इन सभी चीजों को मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, 1 टीस्पून नमक, 10 से 12 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकने देंगे। लगभग 12 मिनट हो चुके हैं तो अब हम ढक्कन हटा लेते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। हमारी सब्जियां आधी पक चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी पकी हुई तूर की दाल और 2 कप पानी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और 2 टेबलस्पून सांबर मसाला जो हमने अपने पिछले एपिसोड में बनाया था। अगर आप सांबर मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। दस मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटा लेते हैं। सब्जियां हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। सांभर में एक खट्टा मीठा स्वाद लाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा गुड़ और 2 टेबलस्पून इमली का पानी और इसे मिला लेंगे। सांभर हमारा ऑलमोस्ट तैयार है तो अब हम इसमें तड़के की तैयारी करते हैं। तड़का बनाने के लिए हम एक पैन में गरम करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम हो जाने पर हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 कड़ी पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च,
एक चौथाई छोटा चम्मच हींग पाउडर, 4 से 5 लहसुन की कलियां, और इसे थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर। और इस तड़के को हम हमारी सांभर वाली कढ़ाई में डाल लेंगे। इसे मिला लेंगे और अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। हमारा सांभर अब सर्व करने के लिए तैयार है। सांभर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि सांभर जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वैसे वैसे गाढ़ा होता चला जाता है, इसीलिए जब आप इसे दोबारा गर्म करें तो इसमें थोड़ा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सांभर की रेसिपी पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी स्मार्ट किचन रेसिपी में और कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।